अपना पंजाब फाउंडेशन दा विलक्षण उपराला बनाया गया विश्व रिकॉर्ड 11,000 विद्यार्थियों वल्लो वड्डा मनुखी दरखत दा विश्व रिकॉर्ड स्थापित। विशेष रूप विच पहुंची डॉक्टर गुरप्रीत कौर मुख मंत्री दी धर्म पत्नी वल्लो फाउंडेशन दी शलागा। तुरी तो अमित गुप्ता, सोहन लाल, विकास वर्मा दी खास रिपोर्ट। अपना पंजाब फाउंडेशन पंजाब दे फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूलज एंड एसोसिएशन आफ पंजाब दे प्रधान डॉक्टर जगजीत सिंह तुरी दी अगवाई हेठ तुरी विखे कॉलेज दे खुले स्टेडियम च 11,000 विद्यार्थियों वल्लो वड्डा मनुखी दरखत बनाउन ते इक्को दिन सूबे च 7,00,000 बूटे लगा के विश्व रिकॉर्ड स्थापित करन दा मान प्राप्त कीता। कॉलेज दे खुले स्टेडियम विच इस विश्व रिकॉर्ड दे साक्षी बने हजारा लोकां ते स्कूली बच्चियां दरमियान मुख मेहमान वजो पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान दी धर्म पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर अते देश दी उग्गी धार्मिक शख्सियत बाबा कालिदास परमहंस ने विशेष मेहमान वजो शिरकत कीती। प्रोग्राम दे मुख प्रबंधक डॉक्टर जगजीत सिंह तुरी ने मेहमाना नु जी आया आख्या अते प्रोग्राम संबंधी विस्तारित जानकारी दिती। उन्हें दसिया कि आज सारे पंजाब अंदर प्राइवेट स्कूलों नाल संबंधित विद्यार्थी एक बूटा लगाएगा अते इस दे पालन पोषण दा भी अहित करेगा। मुख्यमंत्री दी धर्म पत्नी ने कहा कि डॉक्टर तुरी ते उन्हें दी टीम दा वातावरण प्रति ए विलक्षण उपराला होरां लई प्रेरणा स्रोत अते राह दर्शाउ है। मुख्यमंत्री पंजाब दी धर्म पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर बाबा कालिदास परमहंस वल्लो चंडा लहरा के प्रोग्राम दी शुरुआत करन दे नाल नाल मिशन हरियाली 2023 दा शुभ आगाज कीता, जिस मगरो 60 स्कूलां दे 11,000 स्कूली बच्चियां ने दुनिया दा सब तो वड्डा हरा भरा मनुखी दरखत बना के दोपहर 12:03 बजे विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्हें कहा कि अजिहे प्रोग्राम हर साल होने चाहिदे हन क्योंकि कल दा भविख अज दे बच्चियां नू वातावरण प्रति सुचेत करना समय दी मुख लोड़ है। इथे ए जिक्र योग है कि जेहड़े बच्चिया ने विश्व रिकॉर्ड बनाउन लई प्रोग्राम विच हिस्सा लिया सी उन्हां नू वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया वल्लो सर्टिफिकेट दित्ते गए, जदों कि हिस्सा लैण वाले स्कूलां नू मेडल प्रदान कीते। इस मौके ओ एस डी मुख मंत्री प्रोफेसर ओंकार सिंह, फाउंडेशन दे मेंबर डायरेक्टर कनवलजीत सिंह टींसा, संजय गुप्ता, अनिल मित्तल, भुपिंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह बनपौरी, मालविंदर सिंह अते समूह मेंबर हाजिर सन। मिशन हरियाली 2023 का आगाज हो जा रहा, जिसके मेहमान डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी, पत्नी सरदार भगवंत सिंह जी मान मुख्यमंत्री पंजाब, वो इसका आगाज करेंगे।
अज पूरे पंजाब दे विच स्कूल दे विद्यार्थियों द्वारा 7 लाख पौधे लगा के एक विश्व रिकॉर्ड कैंप किया जाएगा। पिछले साल इन्हां विद्यार्थियों ने 5,68,000 पौधे ला के एक रिकॉर्ड कैंप किया सी। मैं चाहना सब तो पहला इस दे लई जोरदार तालियां जी। सो मैं तुहाडे सारयां दे वल्लों, सारे विद्यार्थियों वल्लों, उन्हां दे स्टाफ, प्रिंसीपल, मैनेजमेंट वल्लों, साडे अज दे मुख मेहमान डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी अते साडे विशेष मेहमान बाबा कालीदास जी, जो कि रोहतक दे कोल सांपला विच बहुत वड्डा डेरा चला रहे ने ते एक हॉस्पिटल अते यूनिवर्सिटियां दा निर्माण कर रहे ने। सो इस मौके दे उत्ते मैं उन्हां दे नाल सारे पहुँचे विशेष शख्सियतां दा सन्मान करदा, हार्दिक स्वागत करदा सारे विद्यार्थियों वालों, अध्यापकों के वालों। मैं साढ़े पहुँचे अच्छ मुख मेहमान, विशेष मेहमान अते मेहमानों दसना चाहना कि अज इस धरती दे उत्ते एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित होण जा रहा है। पहला इस किस्म का रिकॉर्ड पूरे विश्व दे विच होर कोई नहीं है। ये रिकॉर्ड जिहड़ा है पहला सिर्फ 3500 लोगों ने एक क्रिसमस ट्री बना के किया सी, ते अज असी वह रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा दो किस्म नाल तोड़न जा रहे हैं। एक कल्ले इस विच स्कूल दे विद्यार्थी भाग लै रहे हैं, दूसरा 11,000 विद्यार्थियों दे नाल असी विश्व रिकॉर्ड बनाउण जा रहे हैं। सो मैं तुहाडे नाम दे उत्ते एक जोरदार ताड़ियां दी मंग करदा हां। असी विद्यार्थी नीचे आयो, फोटोग्राफ नीचे आयो। My next call is for Shri Pawan Solanki, President, World Records ठीक है जी। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया बच्चों वालों, सुखपुर के बच्चों वालों, जो 11,000 बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड करके दर्ज हो रहा है। बहुत बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि एनवायरमेंट प्रति अपनी जी जागरूकता फैलती है। स्कूलों भी चाहिए ना कि सिर्फ करियर ओरिएंटेड होकर बच्चों आप करियर के पिछे एक दौड़ च रेस पहुँचा दिए, इस अलावा कि बच्चों एनवायरमेंट बारे अपने जो नैतिक फर्ज ने वो बारे भी दसिया जाए, जिहड़ियां कुदरती आफत आ रही ने इन्हों तो ये चीज़ा करके बचा जाए। आप कुदरत का ध्यान रखेंगे तो ही कुदरत साडा भी ध्यान रखेगी। तो बहुत वधिया लग रहा, बहुत ही सोहना दृश्य देखने बहुत वधिया लग रहा जी। बच्चों के मापियां की अपील करोगे? देखो जी, बच्चों के मापियां यही अपील है कि जेडे भी अच्छे बच्चे दरख्त लेके जाएंगे घर आज तो उन्होंने नाल मिलजुल के उस दरख्त की रखा करें, उन्होंने पानी पाया करें, उन्होंने बड़ा करें, तो बच्चों को यही सिखाउण कि हर साल आप इस तरह दरख्त लाइए। बिल्कुल जी, सरकारी स्कूलों भी यह जो उपराले किए जाएंगे, बल्कि सरकारी जड़िया भी जगह खाली पे उ भी दरख्त लाने की अभी अपील करते हैं। लोग ला चलो सरकार भी लाऊगी जी, मैडम अज कोई भी सरकारी स्कूलों के बच्चे इतने नहीं है, उन्होंने बारे की कहना चाहोगे जी? देखो जी, अच्छ प्राइवेट स्कूल का यह प्रोग्राम सरकारी स्कूल का डिफरेंट प्रोग्राम होगा जितने वो होगा उतने तुम पता लगे रिफ्रेशमेंट्स दी गई है जी। तो पंजाब सरकार बिल्कुल नाल है जी, जेड़े भी प्रोग्राम्स
अपने पंजाब ही चाहे हरे भरे हो चाहे बच्चे ही हो पंजाब सरकार हमेशा ना दो हरियाली 2023 का आगाज किया है। मिशन हरियाली 2023 के तहत साढ़ा 7 लाख बूटे लाने का जरा टीचा पिछले साल मिशन हरियाली 2022 के 5,28,000 बूटे लाए थे। अज पूरे पंजाब के विद्यार्थी अपने माता पिता के नाल मिलकर टीचर मिलकर जोड़े ये बूटे लाऊंगे उन्होंने पालने के लिए असं इंटरनल असैसमेंट जी हैगी है 10 नंबर की दे रहे हैं। 5 नंबर की जो 3 महीने बाद फिर तो सू दोबारा जिला करूँगा फोटो भेजूगा उदू देवे उस दे नाल ही अज असी एक समाज में विद्यार्थियों राय सुने दिता कि दरख्त ने जोड़े वो किन्ने जरूरी ने। 11,000 विद्यार्थियों ने एक दरख्त की शक्ल बना के हरे रंग के पगा बन के कपड़े बन के सिर के उत्ते वर्दियाँ पा के 11,000 विद्यार्थी ने एक ह्यूमन ट्री बनाया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अज तक इन्ने लोगों ने कट्ठिया ने कोई इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड साढ़ा अनाउंस हो चुका है सर्टिफिकेट सू हासिल हो चुके हैं तो साढ़े लिए सारे लिए प्राउड की गल है कि साढ़े बच्चों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़्यादा नाम दर्ज किया। फायदा तो यह है जी अज के दिन के ये 7 लाख बूटे लाने भी तो पालने भी अगे लोग की करते बूटे ला देते सर केयर नहीं करते असी इस चीज़ को उन्होंने सर्टिफिकेट न जोड़ दिता अज सारे बच्चों सर्टिफिकेट दिए गए हैं और जोड़े बच्चे बूटा लागे उन्होंने 10 नंबर की इंटरनल असैसमेंट 5 नंबर की फेर 5 नंबर की फेर तो इस तरह के नाल बच्चे ने जोड़े आने वाले भविख के उन्होंने पालने। गर्मी के नाल काफ़ी बच्चे अच्छ बीमार हो गए डिगे नहीं थोड़ा जहा प्रोग्राम जल्दी नहीं रख सकते अपने। हाँ देखो प्रोग्राम से जो निश्चित टाइम पर सीगा देख सकते हो सारे कितने टेंट 300 पक्का सारा इंतजाम किया हुआ लेकिन गर्मी ज़्यादा सी थान थाने उत्ते हरेक जो 100 फुट के पानी का इंतजाम दुख का इंतजाम किया हुआ एक दो बच्चे गर्मी करके उन्होंने प्रॉब्लम आई है उन्होंने नाल नाल आम लोगों की फील करना चाहते सर बूटे लाने बारे ये फील करना चाहते हैं जी भी देखो हम इस टाइम हड़ा की स्थिति है हड़ा को रोकने वास्ते भी दरख्त के सहाई होंगे ने वर्खा को कंट्रोल करने वास्ते सहाई होंगे ने असी मौके दीआं गल्लां नूं रोकथाम करते हैं लेकिन भविख की प्लैनिंग घट कर यह एक भविख की प्लैनिंग है जिहड़ी साडे बच्चों ने साडा आने वाला फ्यूचर संभालना जो वही सुचेत हो गए तो सानूं विदेशों में साफ सुथरे वातावरण की घटने की लोड़ नहीं। सरकारी स्कूलों को भी असं शामिल किया परंतु वो असी होर तरीके किया असी उन्होंने मदद नाल प्लांट लगा प्लांट ड्राइव के उन्होंने शामिल किया क्योंकि इतने बच्चों ने ट्रांसपोर्टेशन राही पहुँचना सगा एक तुम अच्छ देखा होगा भी पहला स्कूलों छुट्टियां हो गई सी असी यह प्रोग्राम बिना रिहर्सल तो किया डायरैक्ट बच्चे पहले दिन स्कूल आए थे जून छुट्टी तो बाद पहले दिन ही उन्होंने विदाउट रिहर्सल परफॉर्म किया। अगर सबसे पहला अगला प्लान की होगा अगला प्लान आ साडा मिशन फतेह है जी मिशन फतेह के साडी ऑर्गेनाइजेशन अपना पंजाब फाउंडेशन पंजाब का कोई बच्चा हो आर्थिक तौर पर गरीब होंतु होनहार होगी एक बच्चे 1 लाख रुपए तो लैके 2 लाख रुपए तक एक बच्चे स्कॉलरशिप दे रहे हैं जोड़ा PCS IAS की तैयारी करके लड़ना चाहता जां मिलटरी सर्विस जाना चाहता असं चाहते हैं पंजाब के लोग पहला मंगू सिविल सर्विस के मिलटरी सेवाओं में अपनी सेवाओं लगा। ओके मुबारक हो कैसा लग रहा है क्या कहना चाहते हो उसके लिए? सर मेरा नाम है पवन सोलंकी प्रेसिडेंट वर्ल्ड रेकॉर्ड्स ऑफ इंडिया जूनियर्स फाउंडेशन आज जूरी में अपना पंजाब फाउंडेशन
एंड डॉक्टर जगजीत सिंह पुरी साहब ने और उनकी टीम, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन किया था जिसमें यहाँ के आजू बाजू की जो स्कूल है उसमें से 11,000 बच्चों ने 64,260 स्क्वायर फीट एरिया में एक ह्यूमन इमेज मोज़ेक इमेज बनाया है और आज हमने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर किया है। तो मैं पूरी के आजू बाजू की जितनी स्कूल है जिन्हों प्रोफेसर है प्रिंसिपल से और बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और इतना अच्छा कार्यक्रम किया उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज धुरी को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है तो अपना पंजाब की टीम को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आपका स्कूल का नाम? हेलो, आप आज हरियाली मिशन आउटलैंड बना चुके हैं बेटा क्या नाम आपका? मेरा नाम है पलकप्रीत कौर, हम केशव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आए हैं और आज हम ये जो मिशन है इसमें हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा ह्यूमन ट्री बनने वाला है जिसमें 11,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे हम लोगों को सिखाने वाले हैं कि हमें कैसे अपने वातावरण की रक्षा करनी चाहिए और हमें उनको एक सीख देनी है कि हम कैसे उनकी बचत कर सकते हैं और हमारा जो जीवन है उसे सुधार सकते हैं। आजकल जैसे बेटा ट्रीज काटे जा रहे हैं और लोगों को क्या मैसेज दोगे? बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम पेड़ ही काट डालेंगे तो सांस कैसे लेंगे? केवल सांस लेना ही नहीं बल्कि और बहुत कार्य है जो कि वृक्ष या फिर पेड़ हमारे लिए करते हैं, तो उनके लिए यही एक हमारे लिए जो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ जो ट्रीज़ है उनकी बचत कीजिए और उनको और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कीजिए।